यार कैसा दोस्त है तुम्हारा, इतना बोरिंग, ना बाहर जाता है ना पार्टी जाता है। मैडम ये है मिस्टर आदित्य खुराना, 100 करोड़ की कंपनी के मालिक। अगर ये पार्टी करेंगे तो ये कंपनी कौन चलाएगा? और वैसे भी इन्हें दारू शारू और लड़कियों में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, ये तो एकदम संत आदमी है, संत महात्मा। Don't give me that grief, Shashank. मैं पता है सुबह में उठ के जॉगिंग जाता हूँ। And I will not miss that. Oh my God! तुझे सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग जाना है? कोई बात नहीं, तू जॉगिंग जा, हम पार्टी जाएंगे। सुन लिया आपने? जॉगिंग, पार्टी, लेट्स गो। Yourself, guys. चल, चल। देख, इस धंधे में बहुत पैसा है। अरे तुझे करना क्या है? एक रात की तो बात है, हाँ? चाचा मैंने कहा ना जबरदस्ती मत कर, हाथ छोड़ मेरा। सुन लिया ना, मैं नाचती हूँ बंटी और पिंकी के लिए, पर मैं ये धंधा नहीं करूंगी। अरे मैं भी देखता हूँ तू धंधा कैसे नहीं करेगी। देखता हूँ कैसे नहीं करेगी तू धंधा। अरे तेरे जैसी बहुत देखी है दूध की धुली। Excuse me? कोई प्रॉब्लम है आपको? Can I help? आप जाइए बाबू, ये हमारे आपस का मामला है, हम सुलझ लेंगे। देखिए ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, आप प्लीज मुझे जो पुलिस स्टेशन छोड़ दीजिए। आप आइए। देख लड़की बहुत पछताएगी तू, घर तो वापस आएगी ना, फिर देखता हूँ कैसे धंधा नहीं करती तू। धंधा ये जुहू पुलिस स्टेशन का रास्ता बताएंगे आप? नहीं, दरअसल मैं मुंबई से हूँ नहीं, इसलिए यहाँ की सड़कों से वाकिफ नहीं हूँ। इट्स ओके, आप मुझे यहीं पर ही छोड़ दीजिए, मैं बस लेकर चली जाऊँगी। देखिए अगर हम लोग वाकई में पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है तो, एंड आई कैन सीरियसली हेल्प यू आउट। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मैं वैसे ही चाचा को धमकी दे रही थी, और कोई बात नहीं है। इफ यू डोंट माइंड तो मैं ड्रॉप कर दूं। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं आपको और आसान नहीं ले सकती। हेलो एक्सक्यूज मी, मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं एक्चुअली मुंबई में अकेला हूँ, सो इस वक्त मैं आपके साथ थोड़ा टाइम गुजार सकता हूँ। देखिए मैं आप जैसे सूट बूट वाले ना बहुत देख चुकी हूँ, जो हर भोले चेहरे को देखकर उसके पीछे बस एक ही इरादा रखते हैं, जो इरादा मैं अभी आपके ऊपर भी देख ही सकती हूँ। हाँ पर सुनो मिस्टर, जो भी नाम है तुम्हारा व्हाटएवर, हाँ मैं बाजारू नहीं हूँ, मैं एक बार डांसर हूँ और मेरी भी इज्जत है। सॉरी मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, मैंने आपसे कहा मैं मुंबई में अकेला हूँ और मुंबई देखना चाहता हूँ, और ये सोच रहा था कि आप मुझे मुंबई दिखा दें। अच्छा ये तो झूठ तो मुझसे बोलो ही मत। हाँ आईडी दिखाओ, लाइसेंस है? हाँ दिखाओ। नाम बताओ असली वाला। जी 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 वो ये आईडी। दिल्ली से हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बताया था ना आपको, काम के सिलसिले में मुंबई आते रहता हूँ। और मेरे साथ क्यों घूम रहे? क्योंकि तुम परेशान हो ना, और मैं अजनबी, और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी भी अजनबी के साथ आप अपनी परेशानी बांट लो तो मन हल्का हो जाता है। चाय पियोगे? या भैया दो चाय ये लो। मैं सोच रहा था कि मैं एक्चुअली मुंबई में 15 दिनों के लिए हूँ, तो आप मुझे
मुझे 15 दिनों के लिए घुमाएंगे मुंबई में? ये ना एक तो आप का चक्कर मत रखो, मेरा नाम खुशबू है और तुम मुझे खुशबू ही बोल सकते हो, ठीक है? और मैं तुम्हें मुंबई नहीं घुमा सकती। सुनो, मैं एक बार डांसर हूँ, टूरिस्ट गाइड नहीं हूँ जो तुम मुंबई भी घुमाऊं। हाँ, लेकिन सिर्फ 15 दिन की बात है एक्चुअली। सुनो, मेरी ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है? मुझे कॉलेज भी जाना होता है और घर में मेरे 2 भाई बहन भी हैं छोटे छोटे, उनका भी ध्यान रखना होता है और शाम को मुझे बार डांसिंग के लिए भी जाना होता है क्योंकि पैसे भी तो जरूरी है। हा? अब तुम चाहते हो कि मैं ये सब काम छोड़ के तुम्हें मुंबई घुमाऊं, क्यों? So, there is no problem, मतलब मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दे दूंगा। ए, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। हा? और मैं ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप बाकी लड़कियों से बहुत ही अलग हैं। चलिए ठीक है, इतना बोल रहे हैं तो टूरिस्ट गाइड जैसी एक टिप दे देती हूँ कि मुंबई आए हो तो वो गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव जरूर जाना, बहुत अच्छी जगह है घूमने वाली, सच में तुम्हें बहुत मजा आएगा वहाँ पे, ठीक है? Yep. अभी मैं जाती हूँ, बाय। ऑटो Excuse me, एक सेकेंड, ये मेरा कार्ड है, जस्ट इन केस अगर आप अपना इरादा बदल दें तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू, बाय। क्या हुआ इसको? पता नहीं दीदी, आधे घंटे से रो रहा है पेट पकड़ कर, आपको फोन भी लगा था पर लग नहीं रहा था। तु रुक। हेलो, हेलो एम्बुलेंस। देखिए अपेंडिक्स बढ़ गया है, इसीलिए ऑपरेशन जल्द से जल्द करना पड़ेगा, आप बस पैसे जमा करवा दीजिए और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मुझ पे छोड़ दीजिए। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर? देखिए 60,000 ऑपरेशन के होंगे और ऑपरेशन के बाद करीब 35,000 और बिल आएगा। मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा बंटी को। देख, मैं बस तो पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूं? ये क्या करी है? किसे फोन करी है? हेलो। हेलो जी। सुनो, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, मैं तुम्हें पूरा मुंबई घुमाऊंगी पर मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो, क्या? मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए अभी। हो जाएगा। आप एक काम करें, आप अपनी बैंक डिटेल्स मुझे भेज दें, मैं फॉरन ट्रांसफर करवा। हाँ ठीक है, ओके बाय। वैसे आदित्य ठीक बंदा है, लगता तो भरोसे वाला है। तू उससे सिर्फ एक बार मिली है और एक बार में इतना भरोसा? पता है क्या भावना, कई बार अपने भी धोखा दे देते हैं और कई बार कोई अनजाना अपना बनकर इतना साथ दे देता है, शायद ये वही अनजाना है जो हमारी हेल्प कर सकता है। बंटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स आदित्य, बता देना कल कहाँ मिलना है। सुनना भावना, जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तू इन दोनों का ध्यान रखेगी ना? हाँ बाबा, तू बिल्कुल चिंता मत।
तुम्हारा घर तो सच में बहुत ही अच्छा। सॉरी। ये आप जो अभी तोड़ने वाली थी शायद वो एक्चुअली एंटीक पीस है। कितने का? 1,00,000 रुपए का। एक लाख का गमला? ये 1,00,000 का गमला है? जी। 1,00,000 का भी गमला होता है? आप डिस्क्लेयर दर। वैसे प्लान क्या है? मुंबई में कहाँ घूमना है तुम्हें? So the plan is, मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाने। What? गर्लफ्रेंड? ये गर्लफ्रेंड का चक्कर कहाँ से आया? देखो, मुंबई घुमाने की बात हुई थी, गर्लफ्रेंड की बात नहीं हुई थी। बैठो, एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ मैं एक्चुअली सेलिब्रिटी हूँ, यू नो, पेपर में आए दिन तस्वीरें छपती है मेरी, यू नो, पेज 3 टाइप्स। सो हो सकता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ कोई देख ले तो वो ये समझ बैठेगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हारी भी तस्वीर छाप दे। सो आई फील कि इससे पहले कि कोई ये हिम्मत करे कि वो कोई ऐसी अनाप शनाप खबर छापे, बेहतर यही होगा ना कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करूँ। आप तो बड़ा सोचते हो। वैसे भी मुझे अपने नाम से ज्यादा प्यार नहीं है, ये सब बातें ना अमीरों की होती हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे। 15 दिन की डील हुई है आपके साथ, आपको जैसा सही लगे आप करो। पर हेलो, ये गर्लफ्रेंड का चक्कर बाहर वालों के लिए, घर पे हम दोनों साथ में रहेंगे पर अलग अलग। इतना भोले मत बनवा, मैं आपके साथ कुछ नहीं करने वाली। रूम शेयर तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे कुछ उसूल हैं। मैं फ्रेंडली हो जाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी। देख लेना आदित्य, एक दिन मैं होम साइंस खत्म करके ना इसी कॉलेज में जॉब करूंगी। अच्छा ये बताओ, ये कैसा है? या नाइस। या नो नो, लिसन, यू नीड टू एक्सप्लेन टू देम कि इस वक्त उन्हें ये डील कंप्लीट करनी ही होगी। बिकॉज़ दिस इज द बेस्ट टाइम शशांक, ये मौका वापस नहीं आएगा उनके पास। आदित्य, आदित्य, before it gets too late, that guy needs to listen to us, okay? They don't take it this time, they will have. आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो व्यक्ति अभी व्यस्त है, कृपया करके आप कुछ देर बाद नंबर डायल कीजिए। आप कौन? मैं आदित्य की नई गर्लफ्रेंड। मिला हूँ अब जो तुमसे, दिल को मेरे कसम से सुकून मिला।
सुकून मिला, तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे। एक बार हाथ से खा के देखो, बहुत मजा आएगा। पता है मैं बचपन में ना हाथ से ही खाती थी और मुझे बहुत मजा आता था। सुकून मिला हर पल, हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला। तुम्हें पता है मेरे भाई है ना बंटी, उसे भी कार्टून देखने में बहुत मजा आता है। रुको मैं तुम्हें उनकी फोटो दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये बंटी है और ये पिंकी, और ये मेरी फ्रेंड है भावना, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हम लोग सच में सब मिलकर इतना कार्टून देखते हैं ना, बहुत मजा आता है। ओ, भावना का ही फोन आ गया, एक मिनट। हेलो, तू ना 100 साल जिएगी, बस अभी तेरी ही बात हो रही थी। ना रे, 100 साल किसे जीना है। अच्छा तू बता कैसी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी पिंकी कैसे है। भंटी एकदम फिट एंड फाइन है, और पिंकी भी। अच्छा वो तेरा आदित्य कैसा है, ठीक है वो। आदित्य अच्छा है, एक्चुअली बहुत अच्छा है। तुझे पता है उसका घर है ना इतना बड़ा है, बिल्कुल महलों की तरह, और उसके घर में 1 लाख का गमला है। क्या 1 लाख का गमला। हाँ। तुझे पता है हमारे बाग के जितने भी कस्टमर्स आते हैं ना, उनसे बिल्कुल ही अलग है। ऐसा लगता है कि मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। सपना है ना, तो देख ली 15 दिन के लिए सपना, और जी ले ये अपनी हाई फाई जिंदगी। लेकिन हाँ, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो दिन तुझ पे बहुत भारी पड़ेंगे। नहीं यार। प्यार व्यार नहीं होगा मुझे, पता है मुझे मेरी हकीकत क्या है। अच्छा चल, मुझे जाना है, नहीं तो वो चाचा पैसा काट लेगा। बाय। बाय। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। पक्का? पक्का। चलो उठो, ड्राइव पे जाओ। अभी? हाँ अभी, चलो उठो, आओ, कम ऑन। आदित्य कहाँ है तू? सुन 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 सुन, जल्दी गाने बता, गाने बता मुझे। क्या? चीटिंग चीटिंग चीटिंग। अरे तू वो सब छोड़, मुझे गाना बता, हम लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं। तू किसके साथ है? लता मंगेशकर। बाय। हेलो आदित्य।
चुप रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का। खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। कोई शख्स है जो के इन दिनों तेरे ज़हन और दिल पे है छा गया। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता, वो भी जो मैंने नहीं बनाया। आदित्य, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। तुम्हें पता है मैं बहुत सालों से बार डांसिंग कर रही हूँ, और सच में मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी अपनी भी कोई लाइफ है। थैंक यू। तुम्हें पता है तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं भी आजाद रह सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ, घूम सकती हूँ, मस्ती कर सकती हूँ। मुझे सच में बहुत मजा आया, मुझे इतना आजाद फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि अच्छा सुनो, मेरा एक बिजनेस एसोसिएट है, उसकी पार्टी है आज, ठीक है, उसके लिए जाना पड़ेगा। सो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। आई विल सी यू इन सम टाइम। बाय। आज तो कितनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। कैसी लग रही हूँ मैं? नाइस, पर कुछ मिसिंग। क्या? ये सबे परवा मन पहले तो न था, ये सबे परवा मन पहले तो न था, चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा पता, कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था। खाली राहें हम दे जाए, पहुंचे कहीं तो बेवजह, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के हे सुलझे। My, what a beautiful lady है। आपके आने से ये पार्टी और भी हसीन हो गई है। खुशबू, ये शशांक है, मेरे बिजनेस पार्टनर। और ये है खुशबू। Excuse me, guys. Some champagne for the lady? Champagne? नहीं चाहिए। Oh. लगता है आप वातावरण कैटेगरी की हैं। तो did I miss anything? नहीं यार, मैं बस थोड़ा शैंपेन ऑफर कर रहा था। मुझे लगा तुम शायद कोई उन्हें कैटेगरी ऑफर कर रहे हो। कम, लेट्स गो।
हम अभी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है? जस्ट वेट यू माय फ्रेंड, प्लीज कैन यू हेल्प मी? थैंक यू. ओके, 1, 2 and 3. उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय. आने दो दिल ने आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय. जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को. You know, जब से तुम्हें देखा है तब से यही सोच रहा हूं कि तुम्हें कहां देखा है. ये चेहरा इतना जाना पहचाना सा क्यों है? फिर याद आया, रोशनी बियर बार. मैं कौन हूं और क्या काम करती हूं ये मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, हूं मैं एक बार डांसर. अपना घर चलाने के लिए मैं ये काम करती हूँ. तुम्हें क्या है, क्या प्रॉब्लम है? कम से कम मैं तुम अमीरों की तरह झूठा दिखावा तो नहीं करती. तुम्हें पता है वो लोग तुम जैसे ही होते हैं जो पैसों के लिए भी खुद को बेच देते हैं. कम से कम मैं बिकाऊ नहीं हूँ. You listen to me. Stay away from my girl. Your girl. अरे वाह जी, तू एक बार डांसर के लिए अपने पार्टनर की इंसल्ट कर रहा है. यू नो व्हाट, मुझे लगा तो इन सब चीजों से बहुत दूर है, लेकिन तू तो 10 कदम आगे निकला यार. यू हैव एक्चुअली बॉट योरसेल्फ अ चीप लिटिल. चल ठीक है, अब खरीद ही लिया है तो वेल लाइक पार्टनर्स हमें शेयर करना चाहिए 50-50. नो Hatim, pehla thappad for insulting woman, dusra for calling khushbu, tisra bhi maar sakta tha partner aise jaane di. Chalo na, as a thorough gentleman, say sorry to the lady. सॉरी खुशबू, खुशबू खुशबू, क्या कर रही हो ये सब? कान खुशबू, विल यू टॉक टू मी? मेरी बात सुनोगी? ये क्या, व्हाट? नहीं, शशांक ने जो किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ तुमसे. आई एम सॉरी खुशबू, मेरी बात तो सुन लो एक बार. विल यू स्टॉप दिस? आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ. क्यों माफी मांग रहे हो तुम? एक्चुअली मैं, सारी गलती मेरी है. मैं भूल गई थी कि मैं मामूली सी बार डांसर हूँ. आप आए, बहुत सारी जदी, बहुत बहुत सारा
प्यार दिया मुझे, अच्छा लगा मुझे। मुझे लगा था कि आपके साथ रह के मैं एक नॉर्मल लड़की की जिंदगी जी सकती हूँ, और मैं भूल गई थी कि मेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। विल यू शट अप, गलती मेरी है। उस पार्टी में तुम्हें नहीं ले जाना चाहिए था मुझे। आपकी गलती नहीं है, सच में नहीं है। एक्चुअली में सारी गलती मेरी है, मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे साथ ना जाना चाहिए था, ना ही तुम्हारी मैरिज में होती, ना ही तुम्हें कुछ होता, सारी गलती। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भूला के अब जाऊँ कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भूला के अब जाऊँ। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहां। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहां। देखती जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहां। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहां। तूने लाइन क्रॉस किया आदित्य, ये सब यहीं ख़त्म कर। आज उसे चेक दे और कह देना कि किसी अर्जेंट काम से दिल्ली वापस जा रहा है। सो द डील इज ऑफ एंड शी कैन लीव, राइट? यही कहना। या दैट्स वेरी नाइस आदि, व्हाट डू यू थिंक? या नाइस। लिसन, आई थिंक वी विल कंटिन्यू इन सम टाइम, वी विल गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। लुक आदि, अगर ये सब उस दिन के बाद की वजह से है तो आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज। मुझे खुशबू से उस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, आई एम रियली सॉरी। एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, कोई बात। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके ओके, अरे या थैंक यू। तुम्हें पता है ये सारा खाना आज मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। सीरियसली? हाँ, मैं तुम्हें सर्व करती हूँ। हाँ? नहीं,
अच्छा सही ये ट्राई करता हूँ हाँ. बहुत अच्छी है. मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में इस किस्म की खीर नहीं खाई. मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ, समझ में नहीं आ रहा मीठा खाऊं या ये खाऊं. सब कुछ इतना अच्छा बनाया ना तूने. थैंक यू. Hands up, I'm done. बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली ये सारा जितना भी तुमने खाना बनाया सब मेरा फेवरेट, खासतौर पे खीर. सो व्हाट्स द ओकेजन स्पेशल? एक्चुअली ये मेरा तुम्हें थैंक्स कहने का एक तरीका है. थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें. क्यों मुझे क्यों थैंक्स कहना है तुमने? यार जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट. सीरियसली कह रहा हूँ, ये पूरा जो तुम्हें घर दिख रहा है ये एक वक्त तक काटने को दौड़ता था. लगता था क्यों आ रहा हूँ यार, क्या करूंगा इधर आके. लेकिन नाउ इट्स ऑल चेंज. मतलब ये होता है कि काम खत्म करूं वापस आऊं तुम्हारे साथ टाइम बिताऊं. हर एक इंसान की अपनी जिंदगी होती है. हर एक इंसान को कुछ ना कुछ करना होता है, आगे जाना होता है. सो आप ये चेक. हमने जो वक्त साथ गुजारा है उसकी कोई कीमत तो अदा नहीं की जा सकती है, लेकिन जस्ट बिकॉज वी हैड अ डील. पर ये चेक तो तुम मुझे 5 दिन बाद देने वाले थे ना, तो अभी तो 5 दिन बाकी हैं. दिल्ली जा रहा हूँ, वापस कब लौटूंगा पता नहीं, इसलिए अभी दे. उम्मीद है कि जो काम तुमने मुझे दिया था वो मैंने बखूबी किया. मतलब खुशबू, ये पिछले 10 दिन मेरे कैसे बीते हैं? आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. और अगर इस दौरान कुछ पूछनी छो गई हो तो I'm sorry about. क्या तुम्हें चाहती? रुक जाओ, सुबह चले जाना, अंधेरा काफी हो चुका है. वापस जिस अंधेरे में जाना है तो उस अंधेरे से कैसा डर है ना. टैक्सी बुला देता हूँ. नहीं थैंक यू. बिताया हुआ वो हर पल मेरे लिए बहुत कीमती था आदित्य. हाँ डील थी, पर अब मैं ये पैसे नहीं रख सकती.
हाय हाय ये आप आदित्य को दे देंगे ये चेक है और ये उनके घर की चाबी तुम ही दे दो वो ऑफिस में ही है फिर लॉस सा होगा पता नहीं क्या हो गया है उसे आजकल बस किसी काम में मन ही नहीं लगता उसका आदित्य मुंबई में है ऑफिस में हाँ वो सामने वाले कैबिन में ठीक है थैंक यू तुम्हारा चेक और ये तुम्हारे घर की चाबी यही लौटाने आई थी मैं रंग थे नूर था जब करीब तू था खुशबू एक खुशबू ये जहां की रेत पे कुछ मेरे नाम खुशबू लिख के छोड़ खुशबू रुको एक मिनट खुशबू वेट एक मिनट आप जाइए प्लीज सॉरी क्या कर रही हो तुम अंदर तुमने जो कुछ भी देखा ना तुम समझ रही हो गलत है यार प्लीज अंडरस्टैंड मैंने मुझे क्या सोचना है क्या समझू क्यों समझू तुम्हारे पैसे है ना तुम्हारी लाइफ है चाहे 10 दिन के लिए खरीदो चाहे 15 दिन के लिए खरीदो ये काम करो डील ऑफ कर दो व्हाट यू मीन डील ऑफ कर दो तुम्हें अक्ल भी है क्या बके जा रही हो जब से अनाप शराब मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हारा काम खत्म हो गया ना काम पूरा हो गया अब जो करने करो व्हाट काम पूरा हो गया क्या यार प्लीज लिसन टू मी मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी बात क्यों मेरे साथ ये खेल खेलते रहे हां 10 दिन का नाटक किया ना मेरे साथ आपको पता है आपसे अच्छे ना मेरे वो बार के कस्टमर है कम से कम मेरे साथ झूठा दिखावा तो नहीं करते ना मुझे ये बताओ एकदम चुप क्या एक दिन 10 दिन 20 दिन लगा रखा है तुमने अरे जब से तुम गई हो ना मैं ठीक से नहीं रह पाया हूं खुशबू मेरी बात समझो हमने साथ में जो वक्त गुजारा ना दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी मेरी जिंदगी में कभी इतने अच्छे दिन नहीं आए थे मुझे बस ये लगता है कि उस रात मैंने तुम्हारा फायदा उठाया और आई वाज गिल्टी यार क्या 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 मुंह लेके फेस करता तुम तुमने कहा तुम्हें जाना है किस मुंह से रोकता तुम्हारे जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि यार आई मिस्ड यू और मैं झूठा नहीं हूं यार मेरी हर एक फीलिंग जेन्युइन है और हाँ मेरे से वो सब नाटक वाटक नहीं होता था ओ यस एवरीथिंग इज नॉर्मल क्योंकि हमारे बीच चीजें नॉर्मल है ही नहीं अब क्या कुछ बोलोगी या ऐसे ही नीचे देखते रहोगी तुम इतना सारा भाषण दिया तुम सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि खुशबू आई लव यू बोलो ना अभी तो आई लव यू 15 दिन नहीं 15 साल 15 जन्मों तक मेरे साथ रहो डील मंजूर है यार तूने क्या किया चैन मेरा लिया बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है नाम तेरा ही लब पे मेरे प्यार तूने क्या किया ख्वाब दिल को नया दे दिया प्यार तूने क्या किया ख्वाब दिल को नया दे दिया देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है संभाले संभलता नहीं ये दिल कुछ आप में बात ऐसी है ले गए इजाजत अब आप से सांसें ही आती जाती है प्यार तूने क्या किया ख्वाब दिल